सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केदार घाटी की इन खूबसूरत वादियों में। होप आप लोग बड़े होंगे, मैं भी बड़े हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा आजकल हमारे गांव में पांडव नृत्य हो रहा है, तो आज पांडव नृत्य का 12वां दिन है। तो ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहे क्योंकि आपको पता होगी समस्या, और आपसे थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो, जो भी टाइम मिलेगा मेरे को किसी के पास दूंगा। एंड ये है कि और पांडव नृत्य का आज 12वां दिन है, और पांडव नृत्य जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर को है। 20 दिसंबर तक पांडव नृत्य है हमारे गांव में, और बने रहे इन ब्लॉकों में और देखिए हमारे गांव के पांडव नृत्य मेरे ब्लॉग के माध्यम से। ऐसे सोचिए कि हम भी केदार घाटी विलेज में है। सो दोस्तों, अभी देख सकते हैं 2 बजे से पांडव नृत्य स्टार्ट होता है, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये है पांडव नृत्य चौक यहाँ पे, और यहाँ पे अध्यक्ष साहब सब बैठ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गांव के मुख्य अतिथि जो। सो दोस्तों, और यहाँ पे बन रही है जलेबियाँ गरम गरम, यहाँ पे देख सकते हैं जलेबी की दुकान, जलेबी समोसे मोमो यहाँ पे सामने पे ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप केदार घाटी का ये मौसम बिल्कुल आजकल क्लियर हो रहा है, मतलब मौसम बिल्कुल साफ, और यहाँ से देख सकते हैं आप केदारनाथ पीक कितने सामने से, ये देख सकते हैं केदारनाथ घाटी की खूबसूरती, ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकते दोस्तों। ये आप खुद आकर देखिए और इनका एहसास करिए कि कितना खुश नसीब है केदार घाटी के लोग जो इन इतनी डांडी कांठियों के बीच आप देख सकते हैं सामने से दोस्तों, और यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से। और ब्लॉग पे बने रहे आज के, और ये फोन में किसी के पास अब शूट करने के लिए दूंगा, तो आप फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहना। और एक खास बात, आजकल ना गांव में छाका हो रहे पांडव लोगों को, मतलब जो पांडव पशुआ होता है उनको छाका बनाया जाता है, मतलब थोक वाइज। छाका का मतलब ये होता है कि पांडवों को अपने घर का खाना खिलाया जाता है, जो पांडव पशुआ होता है उनको अपने घर का खाना खिलाया जाता है जो भी होता है, और बाणों की पूजा होती है थोक वाइज, अपने अपने थोक वाइज। तो आज चौथा वो है, क्या बोलते हैं उसको, आज चौथा छाका है। तो बने रहे ब्लॉग पे, अब हम भी होंगे तैयार होने जाते हैं, अब तैयार होने का टाइम भी हो गया, और बने रहे आज के ब्लॉग में। सो दोस्तों, अभी देख सकते हैं ये कपड़े धो रखे हैं मैंने पूरे यहाँ पे, ये पौंडा ये पोशाक। तो